नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर। मैं पिंकी मिश्रा एक बार फिर से आप सभी की क्लास में हाजिर हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी प्रेट का एग्जाम आपका होने वाला है, ठीक है। तो आप सभी के लिए मैं साइंस के क्वेश्चन के साथ में आपकी क्लास में हाजिर हूँ, जो की बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने माय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करिए, सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस देखिए और क्लासेस अटेंड करिए और बताइए कि कैसा क्या है। जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि सभी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है मोरीन, हाइड्रोजन, एथिलीन या मीथेन, बताइए आप सभी। चलिए दोस्तों, ऑप्शन डी मीथेन, कौन सा गैस पाया जाता है, मीथेन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है, क्या है क्वेश्चन, विद्युत रूप से परमाणु क्या है, आप सभी बताइए इसका क्या सही होगा। विद्युत रूप से परमाणु क्या है, उदासीन, पॉजिटिव रूप से आवेशित, निगेटिव रूप से आवेशित, इनमें से कोई नहीं, बताइए सही जवाब क्या है। ऑप्शन ए उदासीन, विद्युत रूप से परमाणु क्या है, उदासीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश कितने मिनट में धरती तक पहुंचने में लेता है, कितना मिनट लेता है धरती तक पहुंचने में सूर्य का प्रकाश, 8.3 मिनट, 7.3 मिनट, 7.4 मिनट, 9.4 मिनट और 5 मिनट से कम, बताइए सूर्य का प्रकाश कितने मिनट धरती में पहुंचने में लेता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए जवाब होगा, 8.3, कहीं कहीं पर दोस्तों 8 मिनट भी लिखा रहता है, तो ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, 8.3 मिनट यहाँ लिखा है तो यहाँ पे आप 8.3 मिनट करेंगे और कहीं कहीं 8 मिनट है तो वहाँ पे 8 मिनट को टिक करेंगे, ठीक है। चलिए, डायनेमो परिवर्तित करता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, क्या है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, बताइए। डायनेमो परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है, यह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता से चलता है, यह निर्वात में से गुजर सकता है, यह निर्वात में से गुजर नहीं सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या सही जवाब है। ऑप्शन सी, वह निर्वात में से गुजर नहीं सकता, यहां पे यह कथन क्या है, गलत है, ठीक है। प्रकाश जो है निर्वात में भी गुजर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक घट जाता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्या उष्मा का जल्दी अवशोषण करता है, या फिर उष्मा अधिक समय के लिए सुरक्षित रखी जाती है, बताइए क्या सही जवाब होगा। ऑप्शन बी, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, प्रेशर कुकर में भोजन इसलिए जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है, द्रव की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों होती है, बताइए क्या रीजन है, ये इसका विस्कासिता, वायुमंडलीय दाब, अल्प भार या पृष्ठ तनाव, क्या रीजन है बताइए। जी हाँ दोस्तों, पृष्ठ तनाव के कारण जो है द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आप मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाएंगे, ठीक है, बताइए आप मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाएंगे, जांग में, नितंब में, कपाल में, छाती में, बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन डी छाती में, कहाँ पाएंगे, छाती में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्यों की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है, मनुष्यों की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ए, बताइए क्या सही जवाब होगा। चलिए दोस्तों, ऑप्शन डी विटामिन ए जो है मनुष्यों की आंखों की क्रियाशीलता, स्वास्थ्य क्रियाशीलता बढ़ाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? सोडियम, स्ट्रेंटियम, कैल्शियम और बेरियम। बताइए सही जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी बेरियम। क्या होगा? बेरियम। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है? निम्न में से वायु प्रदूषण का कौन सा एक भाग नहीं है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? निम्न में से कौन सा वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है, बताइए। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बाकी सभी जो है वायु प्रदूषण का कारण है, बस हाइड्रोजन जो है वाहन प्रदूषण का कारण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तांबा तथा जस्ता मिश्रण है, तांबा तथा जस्ता मिश्रण है, बताइए किसका मिश्रण है? कांसा का, जर्मन सिल्वर का, पीतल का या इस्पात का, बताइए। तांबा तथा जस्ता किसका मिश्रण है? ऑप्शन सी पीतल का। किसका मिश्रण है? पीतल का। ठीक है, दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है, क्या है वह? एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस और कॉर्पस लूटियम, बताइए किसके द्वारा जो है मानव शरीर की रक्तचाप नियंत्रित होती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो है मानव शरीर की रक्तचाप को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? कार्बन, आयरन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बताइए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी ऑक्सीजन जो है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगला देखते हैं। एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, ध्यान से देखिएगा। एक बल 0.5 किलोग्राम के पिंड में 10 मीटर पर सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है, बल का मान होगा। यह क्या है? द्रव्यमान। ठीक है, और यह क्या है? त्वरण। ठीक है, तो ये बताइए यहाँ पर बल का मान पूछ रहा है, तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? F इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, एफ बराबर लिखेंगे, m का वैल्यू क्या है? 0.5, 0.5 इंटू त्वरण का क्या है वैल्यू? 10। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 10 मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 5 न्यूटन। कितना आया? 5 न्यूटन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 5 न्यूटन। क्या है सही जवाब? 5 न्यूटन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है? हड्डियों तथा दांतों का मुख्य संघटक क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम फास्फेट, बताइए सही जवाब क्या होगा? हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या है? जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम फास्फेट। क्या है? कैल्शियम फास्फेट। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं, बताइए दोस्तों। अग्निशमन वस्त्र जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? अभ्रक से, एस्बेस्टोस से, टैल्क से या स्टीयेटाइट से, बताइए सही जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी एस्बेस्टोस से बनाए जाते हैं अग्निशमन वस्त्र। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, इसमें से बताइए कौन सा है प्लास्टर ऑफ पेरिस? CaSO4 5H2O, CaSO4 2H2O, CaSO4 1/2H2O और CaSO4 MgO, बताइए सही जवाब क्या होगा। आई होप सबको अच्छे से दिख रहा है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो तैयारी लगातार करते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। आपको सारी क्लासेस जो है अच्छे से प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आप सभी को क्लास से रिलेटेड PDF और सारी जो है नोटिफिकेशन वहां से मिल जाएगी। ठीक है, चैनल तो है, आप चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ठीक है, यहां से भी आप क्लासेस लेते रहिए। तो बताइए प्लास्टर ऑफ
पेरिस का फॉर्मूला क्या है, क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? ऑप्शन सी CaSO4 हाफ H2O, ठीक है, क्या सही जवाब है? ऑप्शन सी। चले नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? ब्रोमीन, नियॉन, ऑर्गन या क्रिप्टान, बताइए निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? ऑप्शन ए ब्रोमीन, कौन सी नहीं है? ब्रोमीन, बाकी सभी क्या है? अक्रिय गैसें हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, विद्युत तीव्रता का मात्रक है, विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलम्ब, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, कूलम्ब प्रति न्यूटन और इनमें से कोई नहीं, बताइए विद्युत तीव्रता का मात्रक कौन सा है? ऑप्शन ए न्यूटन प्रति कूलम्ब, क्या है? न्यूटन प्रति कूलम्ब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना लेट किए, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए, किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? यह है रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसका प्रयोग किसकी उम्र को ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ग्रहों की, जीवाश्मों की, शिशुओं की, चट्टानों की, बताइए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है, बताइए सही जवाब क्या होगा? 1350, 1230, 1100 या 1500, बताइए। दोस्तों मानव मस्तिष्क जो होता है वो कपाल गुहा में स्थित होता है, ठीक है, मानव मस्तिष्क के कपाल गुहा में स्थित होता है, जिसका भार लगभग 1300 से 1400 होता है, तो अब बताइए 1300 से 1400 के बीच में क्या है? ये ऑप्शन ए सही जवाब होगा, क्या सही जवाब होगा? ऑप्शन ए 1350, ठीक है। मानव मस्तिष्क का कितने ग्राम का होता है, वो होता है 1350, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सेरिब्रम किससे संबंधित है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? यकृत से, हृदय से, मस्तिष्क से या नाड़ी से, बताइए। ऑप्शन सी मस्तिष्क से, जी हाँ दोस्तों सेरिब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोग्राडो परिकल्पना और संवेग संरक्षण के नियम पर, बताइए रॉकेट किस सॉरी बताइए रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन डी संवेग संरक्षण के नियम पर, किस पर कार्य करता है, किसके सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं कि अगर आप घर बैठे गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपी स्टेट के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इसी वक्त अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए, जहां पर आप सभी को बहुत ही कम फीस में कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, चाहे वो UP SSSC की हो, UPSC की हो, UPSI या किसी भी यूपी गवर्नमेंट की एग्जाम की, ठीक है। तो हम आप सभी को बताना चाहेंगे, आप अभी जाइए अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए, जहां पर आपको बहुत ही कम फीस में तैयारी कराई जा रही है। इसके अलावा बताना चाहेंगे कि अगर आप फीस में छूट चाहते हैं, 10% का डिस्काउंट चाहते हैं, तो आप ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे, जहां पर 10% की छूट मिल जाएगी, और हम दिखाना चाहेंगे कि फीस क्या है जो मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। ये वहां पर ही अनअकैडमी पर ही जीके का मास्टर करके दीपक राय सर द्वारा एक क्लास चल रही है, जहां पर आप जाके UPSC की एक क्लास अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे फीस की, ये आप सभी देख सकते हैं, ये लोअर PCS का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके सारे जो है यहाँ पे आप अपने मनचाहे कोर्स ले सकते हैं, ठीक है, ये सारी आपके सामने सब अवेलेबल है। और दोस्तों ये बताना चाहेंगे कि ये ऑफर आपकी 28 फरवरी तक ही है, लेट मत करिए, जाइए इसी वक्त सब्सक्रिप्शन लीजिए, और बाकी की डिटेल आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। और 10% का जो डिस्काउंट है वो आपको इसी महीने है, ठीक है, तो लेट मत करिए, आपको ये फी एक्चुअल फीस देख लीजिए, ये एक साल की एक्चुअल फीस 7000 है, जी हाँ 7000 में आपको सभी कोर्स कराई जा सकती है, सभी की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, ठीक है।
अगर 10% डिस्काउंट लेंगे तो आपको ये रेफरल कोड यूज करने पर 10% डिस्काउंट मिलेगा, जिस पे आपकी फीस होगी 6300 में आप पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। जाइए इसी वक्त अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए और अपना जो है सब्सक्रिप्शन लेकर तैयारी शुरू करिए। इसके अलावा आप वापस अपने चैनल पर भी आते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, यहाँ पे भी आपको कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है सभी चीज़ों की। तो लेट मत करिए, अभी से जुड़ जाइए, ठीक है, टाइम कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है। निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है, निर्वात में, गैसें, द्रव या ठोस धातु में? बताइए ध्वनि की वेग किस में सर्वाधिक है, बताइए। निम्न माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक है, निर्वात में, गैसे में, द्रव में या ठोस धातु में? जी हाँ, ऑप्शन डी, ठोस धातु में। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? कपड़े से में लगे स्याही और जंग के धब्बे को छुड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का, एल्कोहल का, ईथर का या फिर मिट्टी का तेल का? बताइए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, ऑक्जेलिक अम्ल का। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना लेट किए। रेबीज के टीके, ध्यान दीजिएगा, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने, लुई फॉस्टर ने, अलेक्जेंडर ने या इनमें से कोई नहीं? बताइए, केवल टीके नहीं, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, बताइए। ऑप्शन बी, लुई फॉस्टर ने। किसने किया था? लुई फॉस्टर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? लेजर के माध्यम से, माइक्रोनिडल के माध्यम से, या स्कैल्पल के माध्यम से, या बारीक कैंचिया से? बताइए किससे की जाती है रक्तहीन सर्जरी की। ऑप्शन ए, लेजर से। जी हाँ दोस्तों, लेजर के द्वारा जो है रक्तहीन सर्जरी की जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, बर्फ को पिघलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बर्फ को पिघलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जी दोस्तों बताइए, नमक, हाइड्रोजन, कॉस्टिक सोडा या साइट्रिक एसिड? बताइए। ऑप्शन ए, नमक। जी हाँ दोस्तों, नमक। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है आपका जो पानी है वो बर्फ बन जाता है। ठीक है, और जैसे आप नमक का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होता है, आपका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे की ओर आता है, जिससे बर्फ पिघलने लगता है। ठीक है, तो नमक की वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? टिबिया, ट्रेपेजियम, स्टेपीज या फिर जांग की हड्डी? मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, बताइए सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन सी, स्टेपीज। जी हाँ दोस्तों, स्टेपीज जो होती है सबसे छोटी हड्डी होती है, और ये कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में, ये कान में पाई जाती है और ये सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, तो ये सही जवाब था। ये दोस्तों आपके थे UP SSSC पेट एग्जाम के लिए आपके साइंस के महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन। आगे की क्लास में फिर से मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए, वीडियोस देखिए कैसे लगे, पढ़ाने का तरीका और क्या था वीडियो के, क्वेश्चन कैसे थे, सब कुछ जो है, जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बताते चलिए, हम और भी आगे अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आते रहेंगे। और तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय सर, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।